यदि वाकई में हम लोग देश हित और समाज हित में राजनीति करते हैं ना, तो सबसे पहले ये कदम हमको उठाना पड़ेगा। अगर समाज को सारी समस्याओं से मुक्त कराना है और हर परिवार को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी है, ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि हम जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी तरीके से राजस्थान की धरती पर लागू कर देंगे, हर पेट को रोटी, हर हाथ को काम, और उसके लिए कितनी योजना हमारी ओर से बनाई जाती है, पर अगला सत्र आता है तो कहीं ना कहीं और कमी रहती है कि हमको ये योजना और बनानी चाहिए। ये सारा बिना जनसंख्या नियंत्रण के संभव ही नहीं है। जहां जाओ वहां भीड़ी भीड़, बस में जाओ तो भीड़, कौन से बोलोगे, ट्रेन में जाओ तो भीड़, स्कूलों में तो सीटें कम, कॉलेज में तो पूरे एडमिशन नहीं हो पाते, अच्छे परसेंटेज होने के बाद भी कई विद्यार्थी एडमिशन से वंचित रह जाते हैं। और कारण एक ही है कि बढ़ती आबादी। इस समस्या की गंभीरता को सब समझते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सा भय हमको आगे कदम उठाने से बचा रहा है। ये सारी समस्या बढ़ती जनसंख्या के कारण ही पैदा हुई है। और जैसे हालात देश के बन गए, जैसे हालात प्रदेश के बन गए, हमारा फर्ज बनता है कि हम बेखौफ होकर ऐसा कोई न कोई नियंत्रण के लिए कानून लेकर आए कि ताकि हम इस जनसंख्या को सीमित कर सकें। और माननीय सभापति महोदय, अभी तक हम विश्व में दूसरे स्थान पर इसी वर्ष हम आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आने वाले हैं। और कारण एक ही रहा कि हमने सही समय पर सही कदम नहीं उठाए। देर आए दुरुस्त आए पर आना हमको होगा। और जब अनेक राज्य इस दिशा में पहल कर चुके हैं और कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे? या तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम बाकी योजनाओं में देश में सबसे पहले स्थान पर आने के लिए बजट में कोई ना कोई प्रावधान कर रहे हैं, पर इस दिशा में हमारी ओर से जो पहल होनी चाहिए, कौन रोक रहा है हमें? क्या मजबूरी है हमारी या किसका भय है हमको कि हम जानते हुए भी इस समस्या की को लेकर जो कदम उठाने वो उठा नहीं पा रहे? मैं धन्यवाद दूंगा देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को। 50 साल पहले नारा दिया था, 2 या 3 बच्चे घर में होते अच्छे। आज 50 साल बाद भी हम क्या सीमित परिवार कर पा रहे हैं? और मैं तो धन्यवाद दूंगा संजय गांधी जी को भी कि आपातकाल के दौरान उन्होंने इसकी गंभीरता को समझते हुए ये अभियान चालू किया सीमित परिवार का। हां, कुछ नीचे के अधिकारियों ने इसमें जाति कर दी, वरना उस समय यह अभियान सही तरीके से चलता ना, तो आज ये विस्फोटक स्थिति देश में पैदा नहीं होती। उसके बाद एक नारा और दिया, हम दो हमारे दो, ये हमने नहीं दिया, कांग्रेस की सरकार ने दिया था। जब आपका खुद का ये नारा हम दो हमारे दो, तो पहल भी आपको ही करनी पड़ेगी कि ताकि आपका ये नारा सार्थक हो जाए। हमने नारे दिए ना, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, हमने बना के दिखा दिया, हमने नारा दिया था। हमने कश्मीर का नारा दिया था कि कश्मीर हमारा है, हमारा कर दिया हमने, तो ये आपका नारा है हम दो हमारे दो। तो मेहरबानी करके जो नारा आपने खुद ने दिया ना, उस नारे की सार्थकता के लिए अभी सत्र चल भी रहा है, तो इसी में हम कोई ना कोई कानून लाकर, और जैसा हमारे उपनेता ने कहा
हम किसी की कटौती नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं, पर जो इस अभियान में सहयोग करके सीमित परिवार रखना चाहता है उसके लिए अतिरिक्त योजना लाकर, उसको अतिरिक्त लाभ देकर उसको प्रोत्साहित करेंगे ना, तो भी हम इसमें काफी हद तक सफल हो सकते हैं। पर पता नहीं वोट बैंक की राजनीति है या उसका डर, बोलने को तैयार नहीं। तो मेरा आग्रह रहेगा कि हम बेखौफ होकर प्रदेश और के हित में इसी सत्र में संकल्प करें कि बढ़ती आबादी को रोकने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने पड़े तो जितने प्रभावी कदम है वो हम उठाएंगे और हम हमारे प्रदेश को देश में पहले नंबर के स्थान पर पहुंचाने के लिए सबसे पहल हमारे प्रदेश के माध्यम से हो जाए उसकी पहल हम करेंगे। और सख्ती से जनसंख्या नियंत्रण का है ना कानून बनाकर राजस्थान की धरती पर ये लागू करेंगे, ये मेरा आग्रह रहेगा। मैं जैतारण से आने वाले विधायक के संकल्प को अपना समर्थन देता हूं और सदन के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि ये समस्या आने वाले कल की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, इसमें सारा सदन एक राय होकर इसका कानून बनाए और इसको रोके। श्री बलवान 201 में सीधा पूछ लो, सवाल पूछ लो। माननीय मंत्री महोदय, जो आपने जवाब दिया ना, 7344 आवेदन आपके पेंडिंग है, और जैसा आपका एक पहले प्रश्न में उत्तर था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में काफी अच्छी राशि का प्रावधान किया है, तो ये जो पेंडिंग आवेदन है 7344, इनका निस्तारण आप कितनी अवधि में कराकर उनको लाभ पहुंचा देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये कहना चाहूंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के बाद में कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनी है तीन लोगों की, जो फॉर्मों को वापस देख रही है, क्योंकि ये गरीबों का मजदूरों का पैसा है, इसमें ज़्यादातर ऐसे लोग शामिल हो गए जो मजदूर नहीं है और इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए उन्होंने फार्म भर दिए। लेकिन मैं फिर भी माननीय सदस्य को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हम तय कार्यक्रम के तहत इन सभी का भुगतान कराएंगे। अगला प्रश्न श्री सुभाष।